हेलो एस्पीरियंस, इंडियन पॉलिटी वन लाइनर सीरीज के अंडर आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। तो कौन सा आर्टिकल है जो इससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 368। किसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की? पार्लियामेंट के पास है। कौन से पार्ट में इसका मेंशन है? पार्ट 20 में मेंशन है। कौन से संविधान से या कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हैं। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स होती हैं हमारे, सिंपल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स होता है। ये सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है? नहीं आपने देखा है प्रीवियस वीडियो, इंडियन पॉलिटी वन लाइनर सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है? आज हम क्या कर रहे हैं स्टार्ट? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, जैसे कि वोटिंग एज 21 से 18 साल कब हुई, नेशनल कमीशन फॉर एसेज कब बना, और कौन कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लास्ट में चार ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई, इस तरह की कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, दो पार्ट्स में ये वीडियो मैं अपलोड करूंगी। दिस इज द पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 जल्दी आ जाएगा। एंड देखिए, बहुत ही ज़्यादा अमेंडमेंट्स हैं, अगर हम उनको इन डिटेल पढ़ने बैठ गए तो कम से कम 4 या 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और वो इतना आपका फ्रूटफुल भी नहीं है ना? तो हमें क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो अमेंडमेंट्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, ठीक है? पहले आप जो मैंने अमेंडमेंट्स आपको पढ़ानी है, इन्हें अच्छे से रट लें, याद कर लें, जो मर्जी जैसे मर्जी ट्रिक लगा के, क्योंकि जब आपकी कमांड इन सब पे हो जाए उसके बाद ही आप बाकी अमेंडमेंट्स पढ़ने की सोचना, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि हम सारी साथ में करेंगे, नहीं, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। सारी कोई भी याद नहीं कर सकता, जिनका यूपीएससी क्लियर भी हो जाता है उनको भी सारी याद नहीं होती है, ठीक है? तो सिलेक्टिव स्टडी करनी है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करनी है। चलिए, इंट्रोडक्शन हमारा बहुत ज्यादा हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वॉज पास्ड इन 1951। इसके थ्रू क्या हुआ? इट एम्पावर्ड द स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए, पहला अमेंडमेंट क्यों जरूरी है? जो सामाजिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको कैसे एडवांस किया जा सके, कैसे उनकी अपलिफ्टमेंट की जा सके, उससे रिलेटेड प्रोविजंस इसके थ्रू ऐड किए गए। नाउ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि इस अमेंडमेंट ने 9th शेड्यूल ऐड किया हमारे संविधान में, ठीक है? अब 9th शेड्यूल क्या है, वो क्या बोलता है, वो सब हमने शेड्यूल्स अलग से एक टॉपिक पढ़ा है ना, तो वहां हमने पढ़ा है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो 9th शेड्यूल है 1951 का, जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसके थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है? 15th अमेंडमेंट 1963। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 15th आया, अब आप बोलेंगे बीच के कहाँ हैं? देखिए, बीच में क्या होता है, कोई स्टेट बन रही है, कभी किसी एक स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है, कभी किसी स्टेट को, तो वो हमें नहीं पढ़ना। यस, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जैसे मैं हिमाचल से हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हिमाचल को हिमाचल प्रदेश स्टेट का दर्जा मिला है, ठीक है? स्टेटस मिला है, इतना पता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? नाउ 15th हमारा अमेंडमेंट क्या बोलता है, इट इंक्रीज्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। यानी कि 1963 से पहले जब हाई कोर्ट के जज रिटायर होते थे तो उनकी रिटायरमेंट एज थी 60 साल, लेकिन आज की डेट में जब वो रिटायर होते हैं, मतलब 1963 में ये एक्ट आया कि उनकी 60 नहीं 62 ईयर्स होगी रिटायरमेंट एज। नॉर्मल डिपार्टमेंट्स में किस एज पे रिटायर होते हैं, 58 पे रिटायर होते हैं, है ना? तो ये हाई कोर्ट के जजेस की ही बात हो रही है, नॉर्मल डिपार्टमेंट्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, अपना 24th अमेंडमेंट पढ़ते हैं जो कि 1971 में आया था। इट मेड इट कंपल्सरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव इट्स असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स। अच्छा ठीक है, अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल पास किया जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, उसको देखता है, अगर उसको सही लगता है तो वो बिल को पास करवा देता है, अपना असेंट दे देता है, अपनी हाँ कर देता है, या फिर वो उसको पॉकेट में डाल देता है कि नहीं, ना हाँ करनी ना ना करनी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, या फिर उसे वापस भेज देता है कि ये जो है आपको इसको थोड़ा रिकन्सिडर, थोड़ा चेंजिंग्स करो, फिर मैं इसे पास करूंगा, ये इसमें चेंजिंग्स करो, या फिर सीधे नो बोलता है, या तो हाँ या तो ना, या तो जेब में डाल देता है, ना हाँ ना ना ना, या फिर वापस भेजता है कि ये अच्छा है आपका कंसेप्ट, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग करो, फिर हम इसे पास करेंगे। तो ये 4 ऑप्शंस होती हैं प्रेसिडेंट के पास किसी भी बिल से रिलेटेड। ये मैं आपको पढ़ाऊंगी जब टाइप्स ऑफ बिल्स पढ़ाऊंगी, है ना? अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के 2 वीडियोस डिस्कस करेंगे, उसके बाद वहां चलते हैं। तो ये हमने वैसे पहले भी पढ़ा है, जब प्रेसिडेंट पढ़ा है तो कोई नई चीज नहीं है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होती हैं उसमें प्रेसिडेंट के पास इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, बस हाँ करनी है तो हाँ ही करनी है, ठीक है? अब एक ही अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारी चीजें भी ऐड होती हैं, ऐसा नहीं एक ही चीज ऐड होती है, ठीक है? इट अफर्म द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। अब इसके अंडर क्या हुआ, पार्लियामेंट को पावर दी गई कि आप
हमारे संविधान का कोई भी पार्ट है उसको आप अमेंड कर सकते हो, उसमें चेंजिंग कर सकते हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, ठीक है ना। देखिए गोलक नाथ रूलिंग आई थी 1967 में, उसने क्या बोला दैट पार्लियामेंट डजेंट हैव द पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट थ्रू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ना समझने वाली बात है यहाँ पे, गोलकनाथ रूलिंग आई 1967 में, उसने कहा कि आप फंडामेंटल राइट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, ना ही उसमें अमेंडमेंट कर सकते हो। लेकिन इसी चीज़ को रूल डाउन करने के लिए हमारा 24th अमेंडमेंट आया, जिसमें ये कहा गया कि यस हम कर सकते हैं रूलिंग, हम कर सकते हैं अमेंडमेंट, सुधार या चेंज हम कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं खराब होनी चाहिए, हम उसमें कर सकते हैं चेंजिंग, बस ये था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर दो अगर आपको नहीं समझना, वैसे मैंने समझाने के लिए रखा था कि पहले ऐसा हुआ तो उसी के अपोजिशन में ये अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। आगे चलते हैं, 31st अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं। सो 31st अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम 525 टू 545, 525 से 545 इंक्रीज कर दी गई लोकसभा की सीट्स। अब इसमें क्या याद करना है ना, क्या समझाऊं मैं इसमें आपको, आपको याद ही करना है। फिर है 39th अमेंडमेंट, देखिए बीच के स्किप हो रहे हैं, इसका मतलब कि उनमें कुछ खास चीज़ें नहीं हुई हैं, है ना, कुछ प्रोविजंस आए सोशली जो डाउनग्रेडेड हैं उनके लिए, ऐसे ऐसे करके बड़ा कुछ हुआ, पर हम सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हमें मास्टर्स नहीं करनी, हमें PhD नहीं करनी है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है। तभी कह रही हूँ कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। 39th अमेंडमेंट आया 1975 में, विच प्लेस्ड द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM एंड स्पीकर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशरी। इसका मतलब क्या है, देखिए एक केस आया था इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस, जिनपे इंदिरा गांधी पे जिसपे उनपे ये चार्जेस लगाए गए कि उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे मेल प्रैक्टिसेस यूज की हैं, गलत तरह से जो है कुछ किया है जो भी था। तो अब उन्होंने क्या किया, इसके ऑपोजिशन में ये अमेंडमेंट एक्ट लाया जिसके अंडर ये कहा गया कि चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे स्पीकर है, जो भी ये काम करते हैं उसके ऊपर जुडिशरी जो है कुछ नहीं कर सकती, मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये कुछ नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये हमारी अपनी वर्किंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी पोस्ट है उनकी, तो इस पर आप कुछ नहीं पूछ सकते हो, इस तरह से आया था, ठीक है। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, कोशिश कर रही हूँ फटाफट से पढ़ा दूँ, लेकिन लेंथी हो सकता है क्योंकि देखो पढ़ना तो पड़ेगा, ये टॉपिक खुद में ही बहुत लेंथी है। मैंने आपको कहा ना कि अगर मैं एक एक्सप्लेन करने लगूंगी 4 से 5 घंटे या शायद उससे ज़्यादा ही लगेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट पेज हुआ हमारा कंप्लीट, अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट हमें जो पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट 1976 में आया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहते हैं, और इस पूरे पेज पे हम इसी को डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस अमेंडमेंट के थ्रू हुई थी, तो इसकी अब ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए था कि ये खुद में संविधान था, इतनी ज़्यादा चेंजिंग्स इसमें हुई हैं, हम कुछ कुछ पढ़ेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एडेड 3 new words टू द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में 3 new words ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, ऐसे सही करके आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए जब हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं तो हमने वहां पे पढ़ा है कि हाँ ये 3 words 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए, लेकिन इस टॉपिक में हो क्या रहा है कि जितना भी हमने पॉलिटी में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं वो सारी एक जगह आपको मिल गई जो कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आई हैं। बाकी ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई नई बात है, प्रीएम्बल हमने पढ़ा है, हमने वहां पे पढ़ा है कि SSI करके 3 new words जो है इस अमेंडमेंट के थ्रू आए थे, ठीक है ना। एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 14A, तो पार्ट 14A के अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 ड्यूटीज है वो ऐड की गई थी, ये भी हमने पढ़ा है वहां पे, जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी तो हमने वहां पे रिलेशन पढ़ा था। प्रोवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स, पार्ट 14A के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगी और मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाई जाएंगी, तो ये सब 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। एडेड 3 new DPSP, डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो 3 new DPSP ऐड किए गए थे। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समझाने की जरूरत है, समान न्याय और लीगल एड आप समझते हैं कि किसी को लॉयर की जरूरत है, एडवोकेट की जरूरत है, देंगे, है ना, तो आर्टिकल 39A में ये था। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, यहाँ बेशक आप इंडस्ट्रीज का लीजिएगा, ये है आर्टिकल 43A। फिर आर्टिकल 48A के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये 3 new directive principles थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ऐड किए गए थे। अभी जो अमेंडमेंट आया ना, ये जो 42nd अमेंडमेंट आया, ये आया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशन पे आया था। इसके अलावा और क्या हुआ इसके थ्रू, इट मेड द प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया, कैबिनेट पूरा जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी पड़ेगी,
ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज हम पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि अगर न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हैं, इनको क्रिएट करना है, तो ये कंसेप्ट हमारे संविधान में कहाँ डाला गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया। नाउ लास्ट पॉइंट बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है कि बन सकता है, वैसे अभी आज तक मैंने देखा तो नहीं है बट बन सकता है, दैट शिफ्टेड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में 5 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर किया गया। अब ये स्टेट लिस्ट क्या होती है? देखिए, 3 तरह की लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट, यानी उस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट लिस्ट यानी इसमें लिस्ट होती है चीज़ों की, टॉपिक्स की, सब्जेक्ट्स की, अगर उन पे लॉ बनाना है तो वो पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास रहती है पावर, है ना, तो वो सिचुएशन के हिसाब से चलता है। अब कई जगह आपको मिलेगा यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है, नहीं यार, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती तो वो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में नहीं होता, है ना, ये सिचुएशन के हिसाब से रहता है। अब 5 ऐसे टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किए गए, वो थे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, वेट्स एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जैसे जैसे करके याद कर लेना, बहुत समझने वाला इसमें कुछ नहीं है, उसको समझने की कोशिश करनी भी नहीं है। एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड कुछ है, जस्टिस से रिलेटेड कुछ कुछ है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ कुछ है। ये 5 चीजें जो है ट्रांसफर की गई थी स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक जगह पे मिले जिन्हें आप बार बार रिवाइज कर सकें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है 44th अमेंडमेंट 1978। अब जैसे 42nd अमेंडमेंट ज़रूरी था, बस उतना ही ज़्यादा ज़रूरी 44th अमेंडमेंट है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी हमारे संविधान में। क्या क्या किया गया था वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है नेशनल इमरजेंसी में कुछ चेंज किया गया था। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होता है, प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, मैंने आपको समझाया है, वहाँ पे इस पॉइंट का जिक्र भी किया है। बट अगेन सेम चीज़ रिपीट करूँगी, हम पॉलिटी में हर जगह पढ़ते हैं कि किस अमेंडमेंट से क्या हुआ, लेकिन इन ए नटशेल हमें साथ में सारा कंसेप्ट या सारा सारा टॉपिक मिल जाए, इसलिए हम अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं, या कुछ छूटा हुआ हो वो हम पढ़ सकें, है ना। नाउ, नेशनल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में पहले एक टर्म यूज होती थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसे रिप्लेस किया गया विद द आर्म्ड रिबेलियन, क्योंकि इस टाइम पे इंदिरा गांधी का रूल था और उन्होंने कुछ मिसयूज किया था इंटरनल डिस्टर्बेंस का, और बार बार इसके बोलने पे वो नेशनल इमरजेंसी लगा रही थी, तो उसके लिए ही जो है यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस किया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस को। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें, मेड द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। देखिए, हमें पता है नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है। आज के डेट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो अब जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा नेशनल इमरजेंसी, तो वो तभी कर सकता है अगर उसे रिटन रिकमेंडेशन मिलती है अपनी कैबिनेट की। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड मेड इट अ लीगल राइट। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या होता था? फंडामेंटल राइट होता था अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। ठीक है, लेकिन बाद में इसे लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? ऐसे राइट्स के जिनसे जो आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। अब देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी अगर फंडामेंटल राइट होता तो हम देखते हैं फोर लेन बन रहे हैं, लोगों के घर जा रहे हैं। अगर ये फंडामेंटल राइट होता और घर का ओनर बोलता कि मैं ये घर सरकार को नहीं देना चाहता, ये जो मेरी जमीन है मैं नहीं चाहता यहाँ पे घर, यहाँ पे सड़क बने, रोड बने, तो वो घर वहाँ पे नहीं हटा सकते थे। लेकिन अब फोर लेन आप देख रहे हैं, इससे बेशक डिस्ट्रक्शन भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है, अलग स्टोरी है बिल्कुल, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। पर अब आपने देखा होगा कि फोर लेन्स के कंस्ट्रक्शन बहुत हुई। अगेन सेम एग्जांपल हिमाचल, है ना, इतने लोगों के घर गए और फोर लेन्स बनी, रेलवे लाइन्स बिछ रही हैं, काफ़ी डेवलपमेंट करने की सोच रहे हैं, बेशक वो डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहा है फॉर द हिमाचलीज, बट चलिए जो भी है। तो अब ये जो फंडामेंटल राइट आप समझ में आ गया क्या है, अब लीगल राइट क्या होता है कि हाँ जी ये मेरा घर है, ये मेरी ज़मीन है, लेकिन लीगल राइट में ऐसा है कि इस ज़मीन के ऊपर अगर सरकार चाहे तो उनका पहला हक है, हमारा दूसरा हक है। ठीक है, जिस घर में आप रह रहे हैं लीगल राइट के अंडर, सरकार का पहला हक है। अगर सरकार बोलती है यहाँ पे फोर लेन आएगी, यहाँ पे कुछ भी बनेगा, है ना, कोई फैक्ट्री बनेगी, तो फिर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बेशक वो कंपनसेशन देते हैं, आपको पैसा देते हैं, नो डाउट, बट फिर जमीन लेना, घर बनाना, वो बहुत थोड़ा टफ हो जाता है ना। तो ये हो गया, हमें समझ में आ गया फंडामेंटल राइट, लीगल राइट का,
आगे चलते हैं, प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट जो गारंटी किए जाते हैं आर्टिकल 20 एंड 21 के अंडर, आर्टिकल 20 एंड 20 एंड 21 के अंडर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी. इसमें आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऐसे ऐसे करके वो आप देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक द एडवाइस ऑफ कैबिनेट फॉर रिकंसिडरेशन. अब अगर प्रेसिडेंट चाहे, अब कैबिनेट ने कुछ बोल दिया था पहले, प्रेसिडेंट बाउंड था उनकी एडवाइस से, हमने प्रीवियसली पढ़ा, लेकिन अभी अगर कैबिनेट कुछ एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को वो सही नहीं लगती है तो वो वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा कि जो आपकी एडवाइस आपने दी है ये मुझे सही नहीं लग रही है, इसको फिर से रिकंसिडर करो. कैबिनेट पूरा फिर से रिकंसिडर करेगा, बट द रिकंसिडर्ड एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. और अगर फिर से सेम एडवाइस या चेंज करके एडवाइस है, जैसे भी एडवाइस अगर प्रेसिडेंट को दी जा रही है उसी टॉपिक पे, तब प्रेसिडेंट को कैबिनेट की बात माननी ही पड़ेगी. सेकेंड टाइम जो रिकंसिडर्ड एडवाइस है वो तो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी. ठीक है ना, आई नो वीडियो लेंथी हो रहा है, तो देखिए खुद से सोचिए कि अगर यही चीज मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाई होती तो कहाँ जाता वीडियो और कहाँ जाती हमारी बोरियत, है ना. चलिए 50th अमेंडमेंट हम देखें, 1984 में आई थी, विच एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सन इम्प्लाइड इन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप इन फॉर द आर्म्ड फोर्सेज और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन. अच्छा बहुत बड़ी लाइन होगी ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे हमें पता है फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडियन सिटीजन को मिले हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाएंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी. किन के ऊपर? जो आर्म्ड फोर्सेज हैं या जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए काम कर रहे हैं. आर्म्ड फोर्सेज में टेलीकम्युनिकेशन, आर्म्ड फोर्सेज के लिए काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं इन फील्ड्स में, उन पे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन है. क्यों? क्योंकि अगर वो राइट टू स्पीच उनको दे दिया तो वो तो कहीं भी जाके डेटा लीक कर देंगे, है ना. तो ये चीज जो आर्म्ड फोर्सेज होती है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इसमें जो पर्सन इंप्लायड है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ऑन देयर बिहाफ ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ठीक है जी, चलिए अब लास्ट नहीं है, अभी और पढ़ना है. ठीक है, और पढ़ना है, बट वेट, ध्यान से सुनते रहें. 52nd अमेंडमेंट क्या बोलता है? 1985, तो सीधे सीधे याद कर लो, 1985 से 52nd अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ. एंटी डिफेक्शन लॉ पे पूरी की पूरी वीडियो बनाई है, पूरा का पूरा टॉपिक अलग से समझाया है ना, तो अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. इट प्रोवाइडेड फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. डिफेक्शन क्या होता है? एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज करना. अगर ऐसा होता है तो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की हिल जाती है बिल्कुल, और लॉयल्टी जो मतलब बोलते हैं ना कि कुछ सीक्रेट्स होते हैं किसी पर्सन के पास, अगर हम दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो सीक्रेट्स हम रिवील कर सकते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. सो ये डिफेक्ट करना यानी पार्टी बदलना, इसको जो है बिल्कुल ऑफेंसिव माना गया है, और अगर ऐसा कोई पर्सन करता है, चाहे वो एमपी है चाहे वो एमएलए है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा. ये सब जो है 1985 के अंडर मेंशन था, और इसी के थ्रू 10th शेड्यूल ऐड किया गया था जिसमें हम एंटी डिफेक्शन लॉ का पूरा टॉपिक पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल सिंपल भाषा में, इजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ. फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगेन आपको लगता है कोई टॉपिक छूटा है मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दें, क्योंकि बहुत जल्दी सीरीज कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद फिर कोई भी नया टॉपिक एंटरटेन नहीं होगा. ठीक है, तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर. अच्छा, आप लोगों ने नोट्स बनाए इस टॉपिक के या नहीं बनाए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं फटाफट से, और ज़रूर. ठीक है ना, चलिए 61st अमेंडमेंट की हम बात करें. 1989 में ये अमेंडमेंट आया था. इट रिड्यूस्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 इयर्स टू 18 इयर्स फ्रॉम लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्शंस. अब देखिए वोटिंग एज आज के डेट में क्या है, 18 साल है. कि 18 साल का कोई हो गया उसे हम एडल्ट बोलते हैं, वो जो है वोटिंग कर सकता है, अपना वोटर कार्ड बनवा सकता है, सब कुछ. लेकिन पहले वोटिंग एज 21 साल हुआ करती थी, 21 से 18 साल हुई वो 61st अमेंडमेंट 1989 के अंडर किसके लिए? जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उनके लिए, और ये राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था ये कंसेप्ट, ये अमेंडमेंट. नेक्स्ट आता है 65th अमेंडमेंट 1990, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी. अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटीज. तो ये जो दो कमीशन है ये अलग अलग हुए हैं, लेकिन जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ 1990 में 65th अमेंडमेंट के अंडर एक ही कमीशन था, ये कंबाइंड कमीशन है सारा. ठीक है ना, नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज एक ही कमीशन था. फिर बाद में एक अमेंडमेंट एक्ट हम पढ़ेंगे जिसके अंडर इसकी बाइफिकेशन हुई थी, बट वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. तो इतना समझ लें कि नेशनल कमीशन पहले कंबाइंड था एससीज एंड एसटीज के लिए, 1990 65th अमेंडमेंट के थ्रू आया था. 69th अमेंडमेंट 1991 में आया, इसके अंडर क्या हुआ? इट अकॉर्डेड अ स्पेशल स्टेटस टू द यूटी ऑफ दिल्ली बाय डिजाइनिंग और डेजिग्नेटिंग इट एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली.
स्पेशल स्टेटस दिया गया है। देखिए दिल्ली है क्या, दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, एक यूटी जैसे पुडुचेरी है आपका, जैसे दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली है, जैसे चंडीगढ़ है, वैसे ये भी यूटी है। लेकिन 1991 में 69th अमेंडमेंट के थ्रू जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसे स्पेशल स्टेटस दिया गया और इसे डिजिग्नेट किया गया एज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। हम बोलते हैं ना एनसीटी, तो वो यही है क्योंकि ये कैपिटल भी है हमारी और यूनियन टेरिटरी भी है, नेशनल कैपिटल भी है, तो वैसे करके समझ लें वैसे ही नाम दिया है। ठीक है, अब देखिए हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर, विच इज द 17th अमेंडमेंट। आज हमें इतना ही पढ़ना है, फिर बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगेन वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं, बार बार कहती हूँ, कोई भी टॉपिक आपको लगता है छूट गया है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं बार बार कह रही हूँ ताकि मैं साथ में वीडियो बना सकूँ उस पर। अदरवाइज देखिए अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि कुछ छूटा नहीं है जितना मेरी समझ में रहता है, बट यू नेवर नो, ह्यूमन एरर, गलती हो जाती है, कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो आप मुझे बताएं, इसके लिए आप लोग हैं ना, कि अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है मुझे बताएं ताकि मैं साथ में उसकी वीडियो बना सकूँ। इस तरह के मैसेज नहीं कि मैम मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक्स आर मिसिंग, देन टेल मी द नेम्स ऑफ द टॉपिक्स ना जो मिसिंग है। ठीक है, चलिए लास्ट अमेंडमेंट है हमारा 1992 का, इसके बाद की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो इतनी लेंथी भी नहीं होगी जितनी ये हो गई है। ठीक है, सो इट प्रोवाइडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ MLAs ऑफ NCT ऑफ दिल्ली प्लस UT ऑफ पुडुचेरी इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट हमने पढ़ा है, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कौन से मैनर में होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इलेक्टोरेट, वो सब पढ़ा है हमने, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है सब कुछ, तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है ये भी पढ़े। तो अब उसमें स्टेट्स के होते हैं मेनली जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसके MLAs एंड पुडुचेरी जो हमारी UT है उसके MLAs दोनों पार्टिसिपेट भी करते हैं। ठीक है ना, इंडियन पॉलिटी वन लाइनर सीरीज के अंडर आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में। तो एक पार्ट मैं ऑलरेडी इस टॉपिक का पढ़ा चुकी हूँ जिसमें 1st to 70th अमेंडमेंट्स हम कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट वन जो कि हमारा आज का है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1992 में आया था। अब देखिए हम जानते हैं टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हम शेड्यूल्स पढ़ते हैं, वहाँ पे हमने जाना है, 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मेंशन है, लेकिन जिस टाइम पे हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम पे सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, तो बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड की गई हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो जो हमारा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था इसके अंडर कमान, मतलब ये शॉर्टकट एक ट्रिक है, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, अगर आप शुरू से मुझे फॉलो करती हैं, आपने पॉलिटी मुझसे पढ़ा है कमान करके, ठीक है, कमान पकड़नी है, बागडोर पकड़ने किसी चीज़ की, तो के फॉर कोंकणी, एम फॉर मणिपुरी, एन फॉर नेपाली। ठीक है, तो ये तीन लैंग्वेजेस ऐड की गई थी 8th शेड्यूल में थ्रू 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब आता है 73rd एंड 74th, तो देखिए हम इसे साथ साथ में पढ़ते हैं क्योंकि हर जगह जो है ये साथ ही होते हैं, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट 1992 में आए थे। इस अमेंडमेंट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ये चीज़ जो है इसे एक प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज का जिक्र हुआ था। 73rd अमेंडमेंट से पार्ट नंबर 9 दी पंचायत्स ऐड किया गया हमारे संविधान में और 74th अमेंडमेंट से पार्ट नंबर 9A द म्यूनिसिपैलिटीज ऐड किया गया हमारे संविधान में और यहाँ पे एक नया शेड्यूल बना 73rd अमेंडमेंट के अंडर विच इज द 11th शेड्यूल जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है। एंड 74th अमेंडमेंट में भी एक नया शेड्यूल आया 12th शेड्यूल जिसमें कि म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो पंचायत्स, म्यूनिसिपैलिटीज, पार्ट नाइन ए, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, साथ साथ में याद हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक पॉइंट यहाँ पे और आता है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थी इन्हें इंप्लीमेंट करवाने वाली पहली स्टेट कौन सी बनी थी, तो वो था राजस्थान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं। 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, सो बैन ऑन द री एडजस्टमेंट ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर द अनदर 25 ईयर्स अप टू 2026। इसका क्या मतलब है, देखिए 2001 में ये अमेंडमेंट आया था, 84th अमेंडमेंट था, तो इसने कहा कि अगले 25 साल तक, अगले 25 साल कब होंगे, 2001 से 2026 तक, कि इस अमेंडमेंट ने कहा कि 2026 तक जो लोकसभा की सीट्स हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो स्टेट्स में होती है विधानसभा, ठीक है, सेंटर में होती है लोकसभा, इन दोनों की जो सीट्स हैं
वो फिक्स रहेंगी, ना वो कम होंगी ना वो बढ़ेंगी, वो जितनी हैं उतनी ही रहेंगी। तो अब ये है कि फ्रीज कर दी गई है 2026 तक। अब देखते हैं कोई अमेंडमेंट आएगा उसे चेंज करेंगे, अभी तो जस्ट 2023 चल रहा है। ठीक है, तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, क्योंकि अगर हम सारे के सारे पढ़ेंगे तब तो मैंने आपको पहले भी बताया था बहुत ही ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, प्लस उन्हें याद करना मुश्किल हो जाता है। एंड आप मेरी वीडियोस देखिए, जितने मैंने दो वीडियोस में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का, पार्ट वन पार्ट टू इन दोनों को देखें, पूरा देखें। फिर जब कंप्लीट हो जाए और आप इन सभी अमेंडमेंट्स को याद कर लो, उसके बाद ही सोचना बुक पे जाने की, एम लक्ष्मीकांत पे जाके बाकी अमेंडमेंट्स याद करने की। अगर आपको ये वाली याद नहीं होती है तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं क्वेश्चंस आपको यहीं से आएंगे, इससे बाहर से नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन यू नेवर नो, है ना, प्रिडिक्टेबल तो नहीं होते एग्जाम्स, कहीं और भी आ सकते हैं, डेप्थ में भी आ सकते हैं। तो फिर आप उस केस में जब आपको ये सारी अमेंडमेंट्स याद हो जाएं, उसके बाद में आपने आगे चलना है और इंटेंसिव स्टडी करनी है इस टॉपिक की। पहले ऐसा नहीं कि नहीं हम इंटेंसिव स्टडी करेंगे, वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है ना, चलिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें, 2002 में ये आया था और ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, दैट इट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। अब देखिए आर्टिकल 31A के अंडर जो एलिमेंट्री एजुकेशन समझते हैं, प्राइमरी एजुकेशन 8 तक है ना, प्राइमरी सेकेंडरी मिडिल सेकेंडरी हम बोल सकते हैं, तो ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है इसे एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। 6 से 14 साल तक बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, वो इसके अंडर था। फंडामेंटल राइट्स आप समझते हैं, लीगल राइट्स आप समझते हैं, कल की ही वीडियो में मैंने आपको समझाया था। नाउ चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब हुआ क्या है, इसी अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल नंबर 45 भी चेंज किया गया, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, वही एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड चेंजिंग्स हुए थे, और एक नया फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 51A, जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन से ही रिलेटेड था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, एंड ये हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ बिल्स पढ़ना है। वैसे तो ये सेकेंड लास्ट वीडियो ही है, इसके बाद टाइप्स ऑफ बिल्स ही आएंगे, लेकिन मैं देख रही हूँ अगर मुझे कोई टॉपिक मिला, रह गया है, स्किप हो गया, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगी साथ में। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आता है 88th अमेंडमेंट 2003। तो इसके अंडर एक नया प्रोविजन सर्विस टैक्स का ऐड किया गया अंडर आर्टिकल 268A। अब इसमें समझने की कोई जरूरत ही नहीं है, सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज द सर्विसेज टैक्स। अब तो ये बिल्कुल बंद हो गया, अब तो एक ही टैक्स है, GST। ठीक है ना। नाउ 89th अमेंडमेंट 2003 में क्या हुआ, बाइफिकेशन हुई। हमने इसे पहले एक बार पढ़ा था कि नेशनल कमीशन फॉर एसेज एंड एसटीज एक साथ में था, ठीक है, लेकिन उसकी बाइफिकेशन हुई, एसेज के लिए अलग कमीशन, एसटीज के लिए अलग कमीशन। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर एसेज था ये बना अंडर आर्टिकल 338 एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स बना अंडर आर्टिकल 338A। ठीक है, अभी देखिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी आएगा, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, वो 338B में आता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, मोस्ट रिसेंट बना हुआ है वो। अब जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हमें पढ़ना है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स इसमें हुए हैं, दैट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समझते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों को मिला के, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारे मिनिस्टर्स होंगे, एक तो होगा नहीं, प्लस प्राइम मिनिस्टर, इनको मिला के जो टोटल स्ट्रेंथ होती है ऑफ मिनिस्ट्री शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ जो है लोकसभा की, मान लीजिए 100 मेंबर है लोकसभा में, तो उसका 15% ही होगा, 15% क्या है 100 का 15, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसके सिर्फ 15% ही होंगे पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें से एक तो पीएम हो गया, बचे 14, तो 14 मिनिस्टर्स होंगे और। ठीक है, सेम यही कंसेप्ट अप्लाई होता है स्टेट्स में। हम यहाँ पे विधानसभा की सीट्स को कंसीडर करते हैं कि किसी भी स्टेट में विधानसभा के जितनी सीट्स हैं सिर्फ उन सीट्स का 15% निकालो, उतने ही मिनिस्टर्स उस स्टेट में इंक्लूडिंग सीएम हो सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो हमने पढ़ा था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया था, 10th शेड्यूल बनाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है कि अगर आप पार्टी बार बार बदल रहे हो या फिर आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप पहले बीजेपी में हो फिर आप INC, आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं रहती है, प्लस आपकी लॉयल्टी पे क्वेश्चन होता है कि आप पहले यहाँ पे थे, अब आप दूसरी उसमें चले गए हो पार्टी में, तो आप सीक्रेट्स रिवील कर सकते हो एक पार्टी के, है ना,
तो ये चीज़ ना हो, ये डिफेक्शन ना हो पार्टीज़ के बीच में, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। इसमें क्या होता था कि जो भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच करेगा उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, उसे पनिश किया जाएगा, उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड एक एग्जेम्पशन आई थी हमारी 91st अमेंडमेंट में, दैट वॉज द एग्जेम्पशन फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन इन केस ऑफ स्प्लिट। शिवसेना एक पार्टी है महाराष्ट्र में, ठीक है, वहां पे आपने न्यूज में देखा होगा काफी चल रहा था एक टाइम पे कि शिवसेना पार्टी है, मुझे उनके नाम याद नहीं आते, बार बार भूल जाती हूँ। तो वो जो लोग थे ना उसमें शिवसेना में, उनके जो लीडर्स थे उनके बीच में स्प्लिट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, तो INC के मेंबर्स एज इन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट हुए थे, ठीक है, क्योंकि उनकी विचारधारा अलग थी। सेम ये चीज़ शिवसेना के साथ हुई है। अब ऑब्वियसली उनका थॉट प्रोसेस अलग है, तो कुछ जो है वो पुरानी वाली शिवसेना में रह गए, कुछ नए वाले में हो गए। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, ये 91st अमेंडमेंट ये बोल रहा है कि इनके स्प्लिट अगर होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, तो हम उसे डिफेक्शन नहीं मानते, उसे हम पार्टी बदलना नहीं मानते हैं, क्योंकि एक को तो अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नाउ 92nd अमेंडमेंट हमारा आता है 2003 का, MST the Big। ये मैंने क्या लिखा है, ये है ट्रिक। अगेन अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी द बिग स्टार, है ना। तो ये क्या है, देखिए हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़ा, हमने ये जाना कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे सिर्फ 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी। फिर हमने जाना कि 71st अमेंडमेंट आया और उसके अंडर क्या हुआ कि 3 नई लैंग्वेजेस ऐड हुई। उससे पहले भी एक अमेंडमेंट आया था उसमें सिंधी ऐड हुई थी। तो अब ये सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की फील्ड में, ठीक है। इस यहाँ पे जो 4 लैंग्वेजेस ऐड हुई ना, उसको 8th शेड्यूल में ऐड हुई वो, जिसकी वजह से टोटल लैंग्वेजेस 22 हो गई और आज के डेट में प्रेजेंटली भी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो ये लैंग्वेजेस हैं कौन, बस उसी को याद करने के लिए तो ये सारी ट्रिक है। MST the Big, मैथिली संथाली बोडो डोगरी, मैथिली संथाली बोडो डोगरी, हमेशा मैं आगे पीछे लिख देती हूँ, हमने डोगरी बोडो ऐसे रखना है, मतलब याद इनके नाम से, ठीक है जी। आगे चलते हैं, 96th अमेंडमेंट देखते हैं, 2011 में आया था। इसके अंदर नाम चेंज हुआ लैंग्वेज का, पहले ओरिया बोलते थे, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया बाय ओडिया, और प्रोनाउंसिएशन भी अब ऐसे करते हैं, ओडिया नॉट ओरिया, इट्स ओडिया, ठीक है। चलिए, अब हमारा सेकंड पेज भी हुआ कंप्लीट। अगेन आपको सेम चीज़ बोलना चाहूँगी, कोई टॉपिक रह रहा है प्लीज़ साथ साथ में बता दें। आप लोग फिर बहुत बाद में मैसेज करते हैं, मैम ये टॉपिक कवर नहीं हुआ, तो देखिए अपनी तरफ से तो मैंने सब कुछ करवा दिया है। अब अगर कुछ रह रहा है तो थोड़ी सी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी उठाओ, एटलीस्ट मुझे अपना सिलेबस देख के टॉपिक का नाम ही बता दो ताकि मैं साथ में कर सकूँ। देखिए एक बार मैंने वीडियो बना दी, अपलोड हो गई, उसके बाद फिर अगर मैंने कर दी अपनी बुक्स बंद ना पॉलिटी की, फिर वो फिर से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको पता है कि मैं एम लक्ष्मीकांत अब स्टार्ट कर रही हूँ, वो स्टार्ट किए हैं, 2 चैप्टर्स पढ़ाए हैं, तो बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपने क्यों डिसकॉन्टिन्यू किया है। डिसकॉन्टिन्यू नहीं किया है, बट मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमिक्स कंप्लीट करवाना था, वो अभी कंप्लीट हुआ है, अभी वीडियोज देखते हैं अपलोड होंगी साथ में, है ना। एंड उसके बाद में ये पॉलिटी, इसके भी एक टॉपिक बचता है, वो कंप्लीट करवाना है, फिर उसके बाद में उस वो आऊँगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें थोड़े से और पॉइंट्स कवर करने, तो चलिए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है 97th अमेंडमेंट के बारे में, जो कि 2011 में आया था। इसके अंडर संविधान में एक नई चीज़ आई, विच इज नोन एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 3 नए चेंजिंग्स हुए इसके अंडर, जैसे कि आर्टिकल 19 में चेंज हुआ, विच मेड राइट टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अ फंडामेंटल राइट, जिसके अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के राइट को फंडामेंटल राइट कहा गया। फिर आया आर्टिकल 43B, जिस अब ये क्या है, देखिए हमें पता है 32 से 51 तक, करेक्ट में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, हमारे क्या आते हैं DPSPs आते हैं, ठीक है। तो ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल 43B में चेंजिंग्स हुई थी। पार्ट 9B संविधान में नया ऐड किया गया, जिसमें आर्टिकल ZH to ZT ऐड किए गए थे, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज से डील करते हैं। 99th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें 2014 में, ये भी बहुत बड़ा एक मार्क माना जाता है। इस टाइम पे NJAC आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब जुडिशियरी में जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी इस कमीशन के थ्रू होंगी, इसमें चीफ जस्टिस होंगे और भी बहुत सारे मेंबर्स होंगे। लेकिन 2015 में क्या हुआ, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव कर दिया गया था, और अभी जो सिस्टम फॉलो होता है दैट इज द कोलेजियम सिस्टम, जो आज के डेट में फॉलो होता है, ठीक है। 2014 में ये आया और 2015 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव कर दिया गया। अब देखिए छोटे छोटे से ये हैं, ये हमारे सामने ही आए हैं, है ना, 2017-18 के, तो ये तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत समझने या याद करने की जरूरत है, हमने पढ़े हुए जानते हैं हम इसके बारे में। पहले ही देख लेते हैं, 100th अमेंडमेंट हमारा 2014 में आया, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। इंडिया ने कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश को दी थी, वो इसके अंडर है। 101st अमेंडमेंट 2017 में आया, जिसमें GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में आया। इसके चलते जितने भी प्रीवियस टैक्स थे सारे बंद किए गए और GST आया, विच इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स।
अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, ये मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो हैंड रिटन नोट्स इकोनॉमिक्स के वो भी परचेज कर सकते हैं। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मतलब कोई पर्सन है अगर वो सामान खरीदता है तो उसे वो टैक्स देना होता है, जो सेलर होता है उसे नहीं देना होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कार परचेज करने जाती हूँ शोरूम में, तो जो वो मुझे वहां पे बेच रहा है, जिसने भी फ्रेंचाइजी ली होगी उस कंपनी की, तो वो जीएसटी नहीं देगा, जीएसटी मैं दूंगी एंड कंजप्शन टैक्स। ठीक है, तो अगर आपको जीएसटी के बारे में और जानना है, पूरी वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई है इकोनॉमिक्स में, तो इंडियन इकोनॉमी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द 102nd अमेंडमेंट जो कि 2018 में आया था। इसी के अंदर मैंने आपको कहा भी था दैट नया कमीशन बनेगा आगे चल के बैकवर्ड क्लासेस का, वो यहीं पे बनता है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 338B। 338 में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर एसिस। 338A में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर एसटीज। एंड बी में क्या है? बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन। फिर आता है 103rd अमेंडमेंट 2019 में आया, EWS रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये इस तरह की रिजर्वेशन जो है वो एक तरह से इम्पोज की गई। एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6 में चेंजिंग्स किए गए। इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में आप देख सकते हैं, बट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आता है 104th अमेंडमेंट, और इसी के साथ हमारा वीडियो होता है कम्प्लीट। ये अमेंडमेंट 2020 में आई थी। इससे क्या हुआ, जो रिजर्वेशन थी सीट्स के लिए एससीज एंड एसटीज की लोकसभा एंड विधानसभा में, देखिए लोकसभा में एससीज के लिए रिजर्वेशन, एसटीज के लिए रिजर्वेशन, विधानसभा में एससीज के लिए रिजर्वेशन, एसटीज के लिए रिजर्वेशन अगले 10 सालों के लिए फिक्स कर दी गई, यानी 2020 से 2030 तक वही रिजर्वेशन चलेगी। एंड हम पढ़ते ना एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो सब कुछ, तो 334A के अंडर जो ये था इसको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गया कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे टॉपिक्स बता दें पॉलिटी के, बाद में फिर नहीं ऐसा हुआ क्रिएट करना है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, सेकेंड लास्ट वीडियो हमारा था ये, है ना। अब हम लास्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ बिल्स पढ़ेंगे, देन हमारा पॉलिटी कंप्लीट, उसके बाद आपको मंथली मैगजीन्स पढ़नी है करंट अफेयर्स के लिए, पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर्स से हमें नई नई जानने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट एंड सी यू सून।